हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारा एयरलाइंस में लीकेज हो जाए, मैं एसटीपी प्लांट की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमारे एयरलाइंस है एसटीपी प्लांट में, तो ये बहुत ज़्यादा दूसरे प्लांट में भी ये मेथड यूज हो सकता है। ये प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए कि आपके वाल में कोई भी लीकेज हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो वाल है पूरा अच्छे तरीके से क्लोज हो रहा है, फिर भी आपके लाइन में लीकेज हो रहा है, आपके टैंक में लीकेज हो रहा है उस वाल से, तो उसको क्या हो सकता है उसका प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि ये बहुत बार होता है कि हमारा वाल प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, सब कुछ होता है, लिमिट भी अच्छे तरीके से लगता है, फिर भी हमारा क्या होता है कि टैंक में लीकेज आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में बताने वाला हूँ आपको हनीवेल एक्चुएटर का लिमिट कैसे लगाते हैं, क्योंकि इस वाल के अंदर हनीवेल का एक्चुएटर लगा है, तो साथ में आपको जो लिमिट है उसका भी हिंट दे दूंगा कि कैसे आपको लिमिट लगाता है, और आप जान जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ कैसे लिमिट लगाते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बात वही होगी जो आप चाहेंगे, मोदी जी तो नहीं के मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एयरलाइंस से मैं एक्चुएटर और वाल को उतार दिया हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं वाल है, यहाँ पे कुछ होल्स दिख रहे हैं और वाल्स क्लोज पोजीशन में है, ठीक है। और ये आप चारों साइड से देखेंगे तो यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए कहीं से भी। अगर दिखाई भी देता है तो उसको क्लोज कर लेंगे हम लोग एक्चुएटर से। जैसे मैं आपको पहले बताया, मैं हनीवेल का एक्चुएटर है, यहाँ पे आपका नेम प्लेट दिखाई देगा और यहाँ से जो डिटेल्स मिलना रहेगा आपको मिल जाएगा जो चाहिए आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिमिट्स लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि लिमिट्स को हटा देंगे, क्योंकि जो ये वाल है इस वाल को थोड़ा सा और क्लोज करेंगे, क्योंकि इस वाल में लीकेज था। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वाल अगर अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लीकेज होता है, पर ये वाल अभी जो है क्लोज पोजिशन में ही है, लिमिट लग गया है। तो अभी क्या करेंगे, फिलहाल में इस लिमिट्स को हम लोग हटा देंगे। जैसे इसको लिमिट लगाने के लिए क्या है, ये क्लोज वाला नीचे वाला है, क्लोज पोजीशन पे दिखा रहा है और क्लोज का लिमिट लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर दूंगा और ओपन करने के बाद से क्या है कि इसका लिमिट हटा दूंगा, ताकि अब इससे ज़्यादा जो इतना क्लोज है उससे भी ज़्यादा मैं क्लोज कर सकूँ। इसके वजह से क्या है कि मैं लिमिट हटा दूंगा। आपको मैं बताया था कि लिमिट कैसे लगाते हैं, तो ये भी एक तरीका है, आप देखते रहिए। जैसे लिमिट अभी हटा दिया मैं, अब इसको मुझे और थोड़ा सा क्लोज करना होगा, तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग उस बटन से ऑपरेट करेंगे, मैनुअली ऑपरेट करके इस चीज़ों को क्लोज करेंगे वाल को। जैसे ही ये देखिए जो प्रेस करेगा उसका लिमिट मतलब ओपन हो रहा है, ओपन पे प्रेस कर देगा तो बंद हो जाएगा, और क्लोज का लगाए रहेंगे, क्लोज अगर हो जाएगा उस समय तो क्या होगा कि क्लोज पे जाकर लिमिट लग जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। मैं अभी मैनुअली के तरीके से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं जैसे कि मैंने थोड़ा सा और इसको क्लोज किया हूँ, और क्लोज करने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या है कि हमारा वाल है जितना क्लोज करना था मुझे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इस वाल को क्लोज कर चुका हूँ। अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे हाथ से प्रेस कर दे रहा हूँ ताकि अभी लिमिट लग जाए, मतलब हाँ मैनुअली किया हूँ, ठीक है, हाथ से इसको प्रेस किया हूँ। अब क्या करूँगा कि लिमिट हमारा लगाने के लिए जो हमारा वाल है, ठीक है, अब वाल को हम देखेंगे अच्छे तरीके से सभी साइडों से कि कोई लीकेज है कि नहीं है, मींस हमें आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि इस शाफ्ट में आपको दिख रहा बहुत सारा होल भी दिख रहा है, ठीक है, पर आपको साइड साइड में देखेंगे थोड़ा सा भी ये होल मतलब लीकेज नहीं दिख रहा है आपको आंखों के नज़र से, हवा बहुत छोटा होता है, ये देख रहे हैं आप, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, पर देखेंगे आप देख रहे होंगे शाफ्ट में ये ऊपर से नीचे तक बहुत सारा होल है, यानी कि बहुत सारा इसमें क्या रिपेयरिंग कराया गया जिसकी वजह से बहुत सारा होल है शाफ्ट के अंदर। अब उतना क्लोज हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको जो लिमिट है यहाँ पे क्लोज का लिमिट लगा दूंगा और इस जो पॉइंट दिया है उस नोब को मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा तो हमारा क्लोज का लिमिट लग जाएगा। तो अभी मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको कस देता हूँ। इसको कसने के बाद से आप देखेंगे कि हमारा जो वाल का क्लोज का लिमिट लग गया है, और जितना भी होल्स दिख रहा है उसमें क्या करेंगे कि एमसील भर देंगे, क्योंकि हमारा वाल्स में
सारे दोनों सभी साइड से देखा तो कोई लीकेज नहीं दिख रहा था, पर क्या वॉल का जितना भी होल दिख रहा है उससे भी लीकेज हो जाता है, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा क्लोज का लिमिट तो लग रहा है, अच्छे तरीके से क्लोज हो रहा है, फिर भी लीकेज हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है अभी के लिए कि जितने भी होल्स दिख रहा था आपको वॉल्स के अंदर, उस वॉल्स को हम लोग क्या करेंगे, एमसील के थ्रू भर फिल कर देंगे उसको अच्छे तरीके से, ताकि इसमें थ्रू भी लीकेज हो सकता है, क्योंकि ये जो होल दिख रहा है आपको दोनों साइड में ही है। अब क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से इसमें एमसील को फिल कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भरना है। और याद रहे कि जहाँ पे यहाँ पे देख रहा है एलेंकी, एलेंकी के ऊपर नहीं भरना है, विदाउट एलेंकी जहाँ पे एलेंकी नहीं है उस होल को हमें भरना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम बहुत इस लीकेज से परेशान हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि इस जो होल है एलेंकी के पास से जो होल है इसके अगल बगल में एलेंकी के अलावा, उसी होल के थ्रू में ये लीकेज हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एमसील पूरा भर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से एमसील को हम फिल कर रहे हैं। देखिए एक साइड को हमारा एमसील लगा दिया गया है, अब दूसरे साइड को भी अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे भी एक होल आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आप इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड में भी आपको एमसील पूरे तरीके से फिल कर देना, मैं पहले से ही फिल कर चुका हूँ। एमसील फिल करने के बाद से इसका क्लोज का तो लिमिट पहले ही मैं लगा चुका हूँ, उसके बाद से जो एयर्स लाइन है उस पर मैं इसको बैठाऊंगा, और इसको बैठाने के बाद से इसको अच्छे तरीके से इस लाइन में फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद से ब्लोअर को चालू करूंगा, और ब्लोअर को चालू करने के बाद से आपको लीकेज को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एरिएशन पूरे टैंक में होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ब्लोअर चालू हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से एरिएशन भी आपको देखने को मिल जा रहा है, पर एक जगह पे आप देख रहे हैं कि डिकेंडर के पास में आपको एरिएशन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका वाल उस लाइन का वाल बंद हो चुका है, थोड़ा कम ओपन किया गया, इसलिए उसमें थोड़ी सी टाइम लग रही है, और उसके बाद से आपको उसमें भी एरिएशन पूरे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप टैंक को पूरा एरिएशन करते हुए देख रहे हैं, तो इसको क्या है कि अभी क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद इसका लीकेज को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वाल को क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो भी एयर है वो बंद, लीकेज बंद होना स्टार्ट हो चुका है। जो आपको अभी एयर दिख रहे हैं वो क्या है कि लाइन का लीकेज है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे टाइम्स लगेगा, मतलब जैसे जैसे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा होते जाएगा, ये लीकेज ऑटोमेटिक सब का सब क्लोज होते जाएगा, मीन्स सारे लीकेज बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि वाल क्लोज हो जाने के बाद से ये पूरे लीकेज बंद हो चुका है, मीन्स जो भी लीकेज था ये वाल के अंदर जो भी होल्स दिख रहे थे आपको उसके वजह से था, ये भी एक रीज़न है। तो आपको ये जो भी वाल्स के अंदर कहीं से भी लीकेज दिखे उस चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा, बंद करने के बाद ही आपको अच्छे तरीके से लीकेज बंद मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।